इतनी सुंदर यहाँ म्यूरल आर्ट बनी हुई है, इसको ख़राब किया जा रहा है। देखिए हाथ लगा करके, देखिए बिल्कुल ठंडा पानी है, निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था है, ये आप देख सकते हैं। क्या बन रहा है ये? पानी की टंकी। अच्छा, पानी की टंकी का यहाँ निर्माण हो रहा है। ये कौन फेंका है यहाँ पर? यहाँ गंदगी मत फैलाइए। जो यहाँ पर लगातार गंदगी फैलाई जा रही है, राम राम मित्रों, मैं भगवान राम का वंशज अभयवीर आपका आपके चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको अयोध्या के सबसे सुंदरतम मार्ग धर्मपथ के सबसे नए निर्माण कार्यों के विषय में सबसे नवीनतम एवं एक्सक्लूसिव जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। सामने आप देख सकते हैं, ये राम मंदिर के सबसे वीवीआईपी मार्ग धर्मपथ का सबसे नवीनतम परिदृश्य है। और आप यहां देख सकते हैं कि सुबह 10:30 के परिदृश्य में यहां पर काफ़ी अधिक चहल पहल है और श्रद्धालुओं का आना परिसर में तेज़ी से जारी है। और यहां पर लता चौक के ठीक सामने यहां पर जो डिवाइडर के निर्माण कार्य थे, अब इन्हें 4 से 5 दिनों के भीतर ही इन सभी रेलिंग्स को परिसर में लगाने की जोर शोर से तैयारियाँ की जा रही हैं। धर्मपथ मार्ग का यह परिदृश्य अत्यंत मोहक और दिव्य है, आप यहाँ देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जगह जगह आपको निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था भी दिखेगी, और ऐसी व्यवस्था आपको अयोध्या ही नहीं आसपास के क्षेत्रों में भी देखने को नहीं मिलेगी। ये देखो गंदगी फैलाया है तुम लोग बेटा, ये क्या गिरा है? ये कौन फेंका है यहाँ पर? ये गंदगी फैला, यहाँ गंदगी मत फैलाइए। जो है यहाँ पर श्रद्धालु वगैरह आते रहते हैं, यहाँ गंदगी फैलाओ। तुम लोग पीछे भी बैठ सकते हो, यहाँ मत बैठो। देखो सब हटाया जा चुका है, यहाँ मत बैठो। देखो यहाँ गंदगी फैला दी गई है, इस परिसर को साफ सुथरा बनाए रखना। इतना सुंदर बना है, इसमें करोड़ों की लागत आई है और इतने बड़े पैमाने पर जब धन खर्च हो रहा है सरकार की तरफ से, तो इस प्रकार से गंदगी फैलाना कहां तक उचित है, आप देख सकते हैं। इनके माता पिता को ये देखिए, नए पौधे लाए गए हैं, इनको लगाने का काम किया जा रहा है। ये देखिए बिल्कुल ठंडा पानी है, निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था है, ये आप देख सकते हैं कि अयोध्या में निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था काफ़ी अधिक दिव्यतम है। और देखिए बिल्कुल ठंडा पानी चिल, अन्य शहरों में आपको पानी खरीदना होगा लेकिन अयोध्या में यह व्यवस्था पूरी तरीके से निःशुल्क है और आपको बिल्कुल चिल्ड वाटर, जैसे आप फ्रिज से निकालते हैं वैसा ठंडा पानी आपको संपूर्ण अयोध्या में देखने को मिलेगा। अव्यवस्था काफ़ी अधिक दिव्यतम है। सामने आप देख सकते हैं
कि धर्मपथ मार्ग पर जो भी म्यूरल आर्ट लगी है उसके ठीक सामने अवैध ढंग से कब्जा किया जा रहा है और इस पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मौन है। और इस पर मैंने एक IGRS पोर्टल पर मैंने एक कंप्लेंट भी दी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा इस पर उचित संज्ञान नहीं लिया गया, यानी मुख्यमंत्री के आदेशों की भी अवहेलना होती है। सामने आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर अभी अराजक तत्वों ने एक तरीके से यहाँ पर स्थान घेर लिया है, देख रहे हैं आप। और यहाँ पर लगातार गंदगी फैलाई जा रही है जो कि श्रद्धालुओं के लिए बना है, इसके बावजूद यहाँ पर इस चीज़ का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और प्रशासन पूरी तरीके से शिथिल है और यहाँ पर अराजक तत्व अक्सर जमाड़ा लगा लेते हैं। इसके पीछे भी जगह है, वहाँ भी लेट सकते हैं, अपना आशियाना बनाया है पीछे, लेकिन ये मार्ग श्रद्धालुओं के चलने के लिए है। लेकिन यहाँ पर अतिक्रमण एक तरीके से देखिए, और अयोध्या प्रशासन द्वारा इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखिए कितनी सुंदर यहाँ म्यूरल आर्ट बनी हुई है, इसको ख़राब किया जा रहा है। देखिए हाथ लगा करके, देखिए यहाँ पर सीटें लगे हुए हैं, हाथों के स्पॉट आपको अक्सर इन म्यूरल आर्ट में दिख जाएंगे। और इतनी सुंदर म्यूरल आर्ट को देखिए किस तरीके से ख़राब किया जा रहा है, इस पर अयोध्या प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन इस पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और भाई क्या हाल है, कैसा चल रहा है काम? हाँ, ये आप देख सकते हैं कि निर्माण कार्यों का सबसे नवीनतम परिदृश्य है, कितना सुंदर परिदृश्य है, धर्मपथ का बेहद खूबसूरत परिदृश्य है। और अभी देखिए रेलिंग्स वगैरह रखी हैं, कम से कम 8 से 10 दिन बाद जो है ये रेलिंग लगना शुरू हो जाएंगी। और ये आप देख सकते हैं, सामने आप देख सकते हैं यह सुबह 8 बजे का परिदृश्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ निर्माण। भैया क्या बन रहा है यहाँ पर, क्या बन रहा है? ये पानी टंकी। अच्छा, पानी की टंकी का यहाँ निर्माण होता है, क्योंकि जगह जगह जलप्याव लगे हैं तो पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से है, इसलिए यहाँ पानी की टंकी का निर्माण कार्य किया जा रहा है। देखिए इसको तरी किया जा रहा है सुबह सुबह। आप ये देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है, प्रभु श्री राम द्वारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा एवं राक्षसों का संहार। देखिए ये वो प्रसंग था जब प्रभु श्री राम शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रहे थे और राक्षसों का अक्सर आतंक रहता था आश्रम में, तो विश्वामित्र जी के यज्ञ में अक्सर राक्षस लोग खलल डालते थे, तो प्रभु श्री राम ने यज्ञ की रक्षा के लिए यहाँ पर राक्षसों का संहार किया। आप देख सकते हैं
कि इनकी जो मुख मुद्रा है और जीवंतता है वह कितनी अधिक अद्भुत है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब देखिए जगह जगह यहाँ पर ठंडे पेयजल की व्यवस्था है, आप यहाँ देख सकते हैं ये पेयजल बिल्कुल चालू हालत में है। ये देखिए बिल्कुल चालू हालत में है, और ये बहुत ही अद्भुत व्यवस्था है, आप देख सकते हैं धर्म पथ का अद्भुत अलौकिक प्रदेश है। अधर्म पर धर्म की विजय का पथ है, जिसे धर्म पथ कहा जाता है। प्रभु श्री राम धर्म के लिए ही लड़े, अधर्म का विनाश किया। ये देखिए ऋषि विश्वामित्र के आदेश पर प्रभु श्री राम द्वारा ताड़का का वध करना। अब ये देखिए ताड़का के वध का प्रसंग है, और कितना अधिक बढ़िया इसका यहाँ पर जो म्यूरल आर्ट है, कितना अधिक सुंदर प्रदर्शित किया गया है। यहाँ जीवंतता देखिए, कानों के कुंडल बेहद खूबसूरत और दिव्य है।